हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मानी, जो कि हिमाचल की बहुत ही फेमस डिश है। ये खट्टी मीठी डिश है जिसको हम रोटी के साथ, सब्जी रोटी के साथ और दाल चावल के साथ हम खाते हैं, तो ये उसका स्वाद और भी बहुत ही अच्छा बना देती है। इसके लिए हम पहले 4-5 कच्चे आम लेते हैं, उनको बॉईल करके और फिर उसको ठंडा कर देते हैं। उसके बाद इसको एक बाउल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी लेकर इन आमों को छील के इसका जो पल्प है उसको निकाल के उसमें डाल देते हैं। इसके लिए हमको प्याज, हरी मिर्च, चीनी, नमक, मसाले, काली मिर्च और इसके जो भी मसाले आप डालना चाहते हैं स्वाद अनुसार वो इसमें डाल सकते हैं। हरा धनिया इसमें डाल सकते हैं, पुदीना हो आपके पास तो पुदीने के पत्ते भी इसमें डालते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। ये जितने भी आम हैं इन सब का पल्प निकाल के एक पानी के बाउल में डाल दें और जो उसकी गुठलियाँ हैं उनको निकाल के साइड पर रख दें बीच में। इससे इसका सारा जो पल्प है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा और जो पानी है वो थिक हो जाएगा और उसमें आम का टेस्ट आ जाएगा। इस तरह से हमने इसके जो छिलके थे वो अलग कर दिए और आम को पानी में डाल के मिक्स कर दिया। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पानी में जो सारा पल्प है मैंगो का वो पानी में मिक्स हो जाए, थोड़ा सा थिक हो जाए। जितने भी आम हैं आप उनको जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतने ही आम बॉयल करके और उनको छील के उसका जो पल्प है उसको पानी में मिक्स करते हैं। बहुत ही सिंपल सी डिश है, इसको बनाने के लिए आजकल के सीजन में होती है। हाँ, आम के सीजन में इसमें आप प्याज डालिए, थोड़ा सा मोटा कटा हुआ, ज़्यादा बारीक नहीं, मोटा मोटा सा कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। हरी मिर्च डाल दीजिए, जितना भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली, जितना भी आप तीखा बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। इसके बाद इसको मिक्स करिए और इसमें नमक मिलाइए। जैसे हमने अगर 4 मैंगो लिए हैं, 2 चम्मच नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, उसके बाद चीनी आप थोड़ी ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनता है, और इसको मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहें तो गुठलियाँ निकाल के अलग से रख सकते हैं, सिंपल उसका पानी रहने दीजिए, और अगर आप चाहें तो गुठलियों को बीच में भी रहने दे सकते हैं, उससे उसका टेस्ट और अच्छा आता है। हम गुठलियाँ जो हैं उनको निकाल के साइड में रख रहे हैं। और इसमें इसके बाद हम हरा धनिया, पुदीना, वो टेस्ट के लिए हम इसमें डाल सकते हैं। देखिए ये हमारी डिश मानी जो है, हिमाचली डिश, ये तैयार है।